ये देखिए दोस्तों, और इधर भी दिखाते हैं दोस्तों आप लोग को, इस प्रकार से भाई बिस्तर लगा। हर हर महादेव दादी, कहाँ से आए हो? भोपाल से आए हो? अच्छा, बाहर में सो रहे हो? और बढ़िया है भाई, क्या करे, क्या करे, कृपा है तो बाबा की दया पे आ गए। हर हर महादेव भक्तों सभी को। और ये इधर देखिए भाई साहब, इसमें लाइट, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, हर हर महादेव। दोस्तों मैं हूँ भाई सीहोर में, और यहाँ पे चल रही है दोस्तों रुद्र महोत्सव 2024, ठीक है, सीहोर में। और भाई यहाँ पे चल रही है 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्र जी का, उसमें जिसमें 20 से 25 लोग टेंट में, पंडाल में और बाहर में रह रहे हैं दोस्तों ठंड में। और दोस्तों यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों ठंड में कैसे रह रहे हैं लोग उसे दिखाता हूँ दोस्तों, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। ये है भाई बाहर की स्थिति, ठीक है, और इस प्रकार से रह रहे हैं लोग दोस्तों, देख सकते हो साल ओढ़े, कंबल ओढ़े। ये देखिए बाहर में दोस्तों खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं भाई, ये देखिए। तो इस प्रकार से भाई खुले आसमान के नीचे लाखों भक्त मिलेंगे दोस्तों आप लोग को, देख ही सकते हो दोस्तों, ये देखिए। तो इस प्रकार से अद्भुत अटूट शिव भक्ति देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे भक्तों पे, लाखों शिव भक्त दोस्तों इस प्रकार से भाई सो रहे हैं बाहर में, ठीक है। और देख सकते हो कंबल ओढ़े, कोई लुगरा लगाए, ठीक है, इस प्रकार से अपनी व्यवस्था बनाए रखें दोस्तों, ये देख सकते हो। तो ये भाई ये है कथा पंडाल दोस्तों, 1, 2 और ये 3, तीन डोगा मणि दोस्तों पूरा खचक खच भर चुके हैं। और उसके आसपास भाई लाखों शिव भक्त जो हैं इस प्रकार से बाहर में अपने बिस्तर लगाए दोस्तों, लेटे हुए हैं, देखिए सच्चे दोस्तों इस प्रकार से माहौल बना हुआ है यहाँ का। तो रात में अधिक ठंड और दिन में अधिक गर्मी होती है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों शिव भक्त जो है तपस्या करके भाई इस प्रकार से रह रहे हैं, देख सकते हो बाहर है पड़े हैं भाई साहब, अटूट शिव भक्ति दोस्तों देखने को मिलेगा भाई यहाँ पे। और इधर भी देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों, और इधर भी दिखाते हैं दोस्तों आप लोग को, इस प्रकार से भाई बिस्तर लगाए, अपने स्थान बनाए हुए, कोई कंबल को घर बना चुके हैं दोस्तों, देख सकते हो इस प्रकार से। और ये भक्तों दोस्तों रात में चाय बांट रही है भाई, सेवा कर रही हैं ये लोग भी, ठीक है। रात में भाई नई पंडाल बन गई, देख सकते हो, कल नहीं बना हुआ था दोस्तों, कल रात में ये टेंट तैयार हो चुकी है, और इसमें देख सकते हो लाखों शिव भक्त सोए हुए हैं भाई, ठीक है, ये देखिए दोस्तों सभी कंबल ओढ़ के सो रहे हैं भाई आराम से। तो इस प्रकार से भाई लाखों लगभग दोस्तों 20-25 लाख लोग यहाँ पे रह रहे हैं भाई, ना होटल में रह रहे हैं ना और कहीं ठहरने की व्यवस्था में रह रहे हैं दोस्तों, वो जो भोले बाबा जैसे भी रखे वैसे रह रहे हैं दोस्तों शिव भक्त, ठीक है, अपने घर द्वार छोड़कर दोस्तों सीहोर में बाबा के दरबार में रह रहे हैं दोस्तों शिव भक्त। देखिए भाई आम का पेड़ है दोस्तों, जिसमें जिसके नीचे शिव भक्त सो रहे हैं भाई साहब, इस प्रकार से अद्भुत माहौल बनी हुई है दोस्तों यहाँ पे, अटूट शिव भक्ति, अटूट श्रद्धा आप लोग को शिव भक्तों में देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दादी लोग कहाँ से आए पता नहीं, ये लोग हर हर महादेव दादी, कहाँ से आए हो? भोपाल से आए हो? अच्छा, बाहर में सो रहे हो? और बढ़िया है भाई, क्या करे, क्या करे, कृपा है तो बाबा की धरा पे आ गए, वही बढ़िया है, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से भाई वही काफी है। तो दोस्तों इस प्रकार से भाई बाहर में ऐसा ठंडी कर रही है दोस्तों, फिर भी से दादी लोग देखिए शिव भक्ति इस प्रकार से चढ़ी हुई है दोस्तों, दादी ठंडी में भी सो रहे हैं इस प्रकार से भाई, सारे शिव भक्त सो रहे हैं दोस्तों। सभी पंडाल का हाल दिखाई देते हैं दोस्तों, चलिए अंदर लेके चलते हैं दोस्तों पंडाल का, वहाँ पे दोस्तों नाच गाना चल रही है दोस्तों, क्योंकि इतना दूर तक ठीक से आवाज़ नहीं आता दोस्तों, तो ये लोग सो गए हैं, ये बाहरी पंडाल है दोस्तों, ठीक है, जिसमें लाखों शिव भक्त सो रहे हैं, खुले मैदान के नीचे सो रहे हैं भाई साहब इस प्रकार से शिव भक्त, ये देखिए। हर हर महादेव भक्तों सभी को। और ये इधर देखिए भाई साहब, इसमें लाइट लगा है दोस्तों, बाहर में लाइट थोड़ी कम जा रही है इस कारण से,
जा रही है। देखिए भाई इस प्रकार से सो रहे हैं भाई सभी शिव भक्त। ये दोस्तों बाहरी पंडाल का सीन, सभी लोग भाई मस्त कंबल वम्बल लगा के सो रहे हैं। और दोस्तों ये लोग पूरा 7 दिन रुकने वाले हैं दोस्तों शिव भक्त भाई इस प्रकार से रात में सो रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो। ये देखिए कहाँ से आओ गुरु जी? हाँ पुणे से आए हो। अच्छा कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा सुन रहे हो कि नहीं किसी महापुराण कथा? सुन रहे हो। तो भाई इस प्रकार से अटूट शिव भक्त देखने का। तो दोस्तों इस ये देखिए शिव भक्त जग रहे हैं भाई, ये लोग भजन वजन कर रहे थे शायद। कहाँ से आओ भाई लोग? हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़ से। अच्छा ठंडी कैसी है यहाँ? दिन में 8 बरस रहे भाई। हाँ नाइट में हिमालय शिमला का हवा चल रहा है। ऐसा तो इस प्रकार से दोस्तों इसके पिताजी से पूछते हैं दोस्तों कहाँ से आए दादा आप? रायपुर छत्तीसगढ़ से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। अच्छा कब से आए हो? अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। कितने दिन सुनोगे यहाँ पे शिव महापुराण कथा? 7 दिन तक सुनोगे। अच्छा यहाँ का वातावरण कैसा है? बहुत अच्छा है। दिन में काम दोनों है। दिन में कैसा रहता है? गर्मी। रात में ठंडी। तो इस प्रकार से भाई अटूट शिव भक्ति देखने को मिला दोस्तों। बच्चे को देखो भजन कर रहे हैं रात में। कितना? 8 कंबल लिए हो? बाप रे इतना कंबल तो सुन ही सकते दोस्तों। अरे इस प्रकार से भाई छोटी बच्ची जग रही है। कहाँ से आओ बच्ची? छत्तीसगढ़ से आए हो। और ये लोग भाई पूरा सो गए हैं देख सकते हो। यह बाहरी पंडाल देखिए, इधर देखिए। तो भाई इस प्रकार से भाई अद्भुत माहौल बनी हुई है जैसे रात में सभी शिव भक्त सो रहे हैं भाई। अभी कंबल वम्बल बिछा के बढ़िया ठीक है। और ये बच्चे लोग सोने कर ऐसा नहीं सो रहे होगी तुम लोग? बच्चे लोग भी सो जाएंगे दोस्तों कुछ समय बाद। और सारी जनता जैसे सो गए हैं, पूरा सुन पड़ गए हैं। बाजार दोस्तों 10 बजे रात तक चलती है ठीक है। हर रोज 7 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ पे ठीक है। तो चलिए भक्तों हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते। भी हम एक लोटा जल सारी समस्या का हल राधे।